जी नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 29 जुलाई 2018 रविवार है और आइए जानते हैं आने वाला एक सप्ताह आप सबके लिए क्या कह रहा है। मैं हूं मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कामकाज के प्रति आपकी प्रेरणा को जगा रहा है और उसका अच्छा असर यह है कि आप बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं ताकि आपका भविष्य बन जाए। कुछ सीखने और समझने के प्रयास में आपकी मेहनत भी नजर आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। वृषभ राशि वालों को आने वाले सप्ताह में अपने हालात को बेहतर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने होंगे, पर गलती भी होती चली जा रही और आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा, ये अपने आप में इस समय की कमी हो सकती है। मिथुन राशि वाले आने वाले सप्ताह में किसी भी बात को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, पर ऐसा करने के लिए अपने व्यवहार को बहुत शांत रखने की जरूरत पड़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है कि घर परिवार में अपनों की हर बात का मान रखना होगा, चाहे लोग आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। फल प्राप्त करने में देर सवेर हो सकती है, पर आपकी सूझबूझ और आपकी ईमानदारी जरूर काम करेगी, उससे फायदा भी जरूर होगा। सिंह राशि वालों को आने वाले सप्ताह में अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और अपने खान पान पर भी नजर रखनी होगी। कोई भी परिस्थिति जो आपके ऊपर बोझ बढ़ाती चली जाए वो सेहत के लिए ठीक नहीं होगी। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है कि कोई प्यार का रिश्ता आपकी इच्छाओं को बढ़ाता चला जा रहा है, इसलिए आप हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए भी प्रयत्नशील हैं। तुला राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में निजी जीवन के हालात प्रेरणाजनक बने हुए हैं, पर कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। इस समय जो भी अस्थिरता है उसे भी संभालने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में आपकी कोशिशें प्रबल हैं और आपकी तकदीर आपका साथ दे रही है। अगर आपको अपने काम के दबाव को संभालना है तो रोजमर्रा के रूप में आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। धनु राशि वालों की आने वाले सप्ताह में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपकी आमदनी के साधन भी आपके लिए मददगार है। बचत को बढ़ाने की इच्छा भी है बहुत मन में, पर इस प्रयास में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रह सकते हैं। मकर राशि वालों के मन में बहुत कुछ करने का विचार है, पर आने वाले सप्ताह में गलती होने का भी अंदेशा है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी स्थिति का सही रूप से जायजा लेने की जरूरत है। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए आने वाले सप्ताह में हर चीज को संयमित रूप से समझने की और संभालने की जरूरत है। मेहनत भी बहुत ज्यादा हो पर दिशाहीन हो तो वो भी व्यर्थ। मीन राशि वालों को आने वाले सप्ताह में अपनी आर्थिक स्थिति को कई रूप से समझना होगा। आपके बढ़ते हुए खर्चे और आपकी बढ़ती हुई जरूरतें दोनों ही रूप से आपके ऊपर दबाव बना रहेगा, इसलिए भी आपको संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। ये था जी आप सबके लिए आने वाले एक सप्ताह का राशिफल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज की तरह मुझसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।